अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने वाले हैं चिकन हाफ मून। जिसे बनाने के लिए सबसे पहले हम फिलिंग बनाकर रेडी करेंगे। 2 टेबलस्पून ऑयल को गरम कर लेना है। जब ऑयल गरम हो जाए तब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 2 टीस्पून, और इसको हमें हल्का सा सॉटे कर लेना है। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल बटन को दबाने से ही मैं जो भी नेक्स्ट रेसिपी डालूँगी वो सबसे पहले आपको मिल पाएगी। देखिए, अदरक लहसुन को हल्का सा सॉटे किया है। अब इसमें उबली हुई और श्रेड की हुई चिकन ऐड कर देंगे। मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है, इसको बॉईल करके इसको श्रेड कर लिया है। अदरक लहसुन के साथ चिकन को हमें हल्का सा सॉटे करना है। अब हम इसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। इन सबको हमें हल्का सा मिक्स कर लेना है। सॉल्ट इसमें कम ही ऐड करेंगे क्योंकि हम इसमें चीज़ ऐड करने वाले हैं, तो चीज़ भी नमक होता है चीज़ में, इस वजह से कम ऐड करना है। अब ये देखिए फिलिंग बनकर रेडी है। लास्ट में हम इसमें कैप्सिकम ऐड कर देंगे कटे हुए। आप इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। और बस हल्का सा सॉटे करने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको पूरी तरह से हमें ठंडा कर लेना है। देखिए फीलिंग हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो चुके हैं। 1/2 कप मैंने मेयोनेज लिया है और 1.5 कप मैंने इधर पर चीज़ को ग्रेट करके ले लिया है। आप मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं या फिर मोज़रेला और प्रोसेस दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम फीलिंग में मेयोनेज ऐड कर देंगे और ग्रेट किया हुआ चीज़ भी ऐड कर देंगे। चीज़ इसमें जितना ज़्यादा होगा उतने ही टेस्टी हमारे हाफ मून्स बनकर रेडी होंगे। इन सबको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसको ज़रूर बनाकर तैयार कीजिएगा इफ्तारी में, सबको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। बच्चों भी काफ़ी शौक से खाते हैं चीज़ वाली रेसिपीज़। तो देखिए फीलिंग हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम ब्रेड के स्लाइस ले लेंगे। अगर आपके पास कुकी कटर है राउंड शेप में तो आप उससे भी इसको कट कर सकते हैं, या फिर कोई भी ढक्कन ले लें आप जार का। मैंने ढक्कन ले लिया है जार का, इससे मैं कट कर रही हूँ तो ये अच्छे से कट हो रहा है। अगर साइड में आपको ब्रेड के पीसेस नज़र आ रहे हैं तो आप इस तरीके से हल्के हाथों से इसको निकाल लें और सारे ब्रेड को इसी तरीके से हम राउंड शेप में कट कर लेंगे। देखिए सारे मैंने राउंड शेप में कट करके रख लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना। एक कटोरी में हम पानी ले लेंगे और सबसे पहले इसको हमें रोल कर लेना है बेलन की हेल्प से, बिल्कुल पतला और दबाते हुए इसको हम अच्छे से रोल कर लेंगे। अब हम इसमें चिकन की थोड़ी सी ही फीलिंग रखना है, ज़्यादा नहीं रखेंगे, और किनारियों पर पानी लगा देंगे और इसको फोल्ड कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से पैक करना है वरना फ्राई करते वक्त ये खुल सकता है। हाथों पर आप थोड़ा थोड़ा पानी लगाइए और इसको इस तरीके से पैक करते जाइए। तो देखिए अच्छा सा हमारा हाफ मून का शेप बनकर रेडी हो चुका है। सारे मैं इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लूँगी। अब मैंने अंडा ले लिया है और ब्रेड क्रम्स ले लिया है। सबसे पहले हम हाफ मून्स को अंडे में डिप करेंगे और अंडे में डिप करने के बाद हम इसको कोट कर लेते हैं ब्रेड क्रम्स से। ये होममेड ब्रेड क्रम्स है, इससे हम इसको अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए। दूसरे भी सारे हम हाफ मून्स को इसी तरीके से पहले अंडे में डीप कर लेंगे, फिर उसके बाद में ब्रेड क्रम में डीप करेंगे, कोट कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम फ्राई करने वाले हैं, जिसके लिए सबसे पहले हम ऑयल को गरम कर लेंगे। तो तेल को हमें ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम गरम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको फ्राई करेंगे। एक एक करके हाफ मून इसमें डालते जाएंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। अगर आप फुल फ्लेम रखोगे तो ये जल जाएगा, क्योंकि ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं, इसको वक्त नहीं लगता है फ्राई होने के लिए। तो एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, अब दूसरी साइड पर इसको हमें टर्न कर देना है।
तो ये सारे देखिए अभी फ्राई होकर रेडी हो चुके हैं। इनको अब हम निकाल लेंगे डिश में। तो हमारे मज़ेदार से चिकन चीज़ हाफ मून्स बनकर रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं आप कितने चीज़ी और यम्मी से मज़ेदार से ये बनकर तैयार होते हैं। आप इसको ज़रूर इफ्तार में बनाएं, सभी को पसंद आएगी रेसिपी। अगर व्यूवर्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें। तो फिर मैं मिलती रहूँगी आपसे इसी तरह से नई नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।